बेकार निठल्ली सरकार है, जनता साइलेंट मूड में है। ये गिने चुने जो मीडिया मेरे जैसे लोग बोल सकते हैं, साइलेंट मूड में है, जनता चुप है, गुस्से में है जनता। हर महीने 2000 लोग करीब मर रहे हैं, जो पेंशन भोगी हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, हर महीने 2000 लोग मर रहे हैं। मोदी जी दिखते हैं, किसी को जनता को यही नहीं पता कि कौन सा मंत्री किसके पास क्या मंत्रालय है, वो दिखाया नहीं जाता कौन सा मंत्रालय क्या काम कर रहा है। जो जड़ है वो गोदी मीडिया है, इस देश के अंदर उसने सारा नाश किया हुआ है। गोदी मीडिया गुमराह कर रहा है, गोदी मीडिया हर एक जगह है। पहले NDTV पर नहीं था, वहाँ पे भी गोदी मीडिया आ चुका। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से महंगाई है और पेंशन का मुद्दा बार बार उठता है, और अभी हम रामलीला मैदान में हैं और आप मेरे पीछे ये भीड़ देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। वही पेंशन की मांग है, और आपको बता दें कि इनको पेंशन कितना मिलता है सुनकर चौंक जाएंगे आप। 1200 रुपये पेंशन को मिलता है। हाँ, कितना मिलता है? कुछ लोगों को 1000 मिलता है। हाँ। उससे पहले वाले जो पहले राउंड के, किसी को 400 मिलता है। हाँ। किसी को 300 मिलता है। 300 रुपये पेंशन। हाँ। और 1100 रुपये का तो सिलेंडर है। हाँ, तो 1100 का सिलेंडर है। हाँ। तो 300 रुपये और लास्ट 1000 रुपये पेंशन है। हाँ। ये पेंशन है। अब सिलेंडर आप देख रहे हैं कितने का है। हाँ। अब जीवन यापन कैसे होता है? जीवन यापन क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा जीवन यापन, लोग मर रहे हैं। हर महीने 2000 लोग करीब मर रहे हैं, जो पेंशन भोगी हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। हर महीने 2000 लोग मर रहे हैं। हाँ। सरकार नहीं देख रही है। सरकार कहाँ देख रही है? हाँ। सरकार को अब फुर्सत होगी तब तो सरकार देखेगी। सरकार कह रही है कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में उड़ाएंगे और आप लोग मर रहे हैं खाए बिना। ये हवाई जहाज ही तोड़ रहा है। जो 1100 रुपए तक का सिलेंडर बिका, 1300 रुपए का बिका, पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर हुआ, तो ये हवाई जहाज में तोड़ रहे हैं चप्पल वाले। हवाई जहाज में तोड़ रहे हैं ना। सरकार कहने के लिए कुछ कह देगी? हाँ। सरकार तो कुछ भी कह देगी ना। सरकार तो बेकार निठल्ली सरकार है। निठल्ली अरे सबसे ज्यादा काम करने वाली सरकार। देखिए जी, अभी जितने भी ये नेता है ना, जो इनको मंत्रालय दे रखे हैं, सिर्फ मोदी जी दिखते हैं। हाँ। किसी को जनता को यही नहीं पता कि कौन सा मंत्री किसके पास क्या मंत्रालय है, वो दिखाया नहीं जाता कौन सा मंत्रालय क्या काम कर रहा है। अब क्या कुछ काम करते हैं दिखाते हैं, अपना बजट दिखाते हैं, बजट दिखा देते होंगे मार्च में। उससे पहले कौन क्या कर रहा है, क्या नीति है। सरकारी अस्पतालों का इतना बुरा हाल है, दवाइयाँ नहीं है, इलाज हो रहा है, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। कुछ नहीं, सिर्फ कहने की बातें हैं, सिर्फ दिखाने की बातें हैं। ये मोबाइल के अंदर सब कुछ अच्छा लगता है, मोबाइल के अंदर नीतियों में सब कुछ अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं है, सब बेकार ढकोसले हैं ये। मोदी जी कह रहे हैं 3 करोड़ लोगों को उन्होंने घर दे दिया। देखिए जी, अब ये तो घर तो मोदी जी बताएंगे, मुझे तो मालूम नहीं। अब जिस चीज के बारे में मुझे, आपका झूठ, मोदी जी झूठ बोलते हैं। 3 करोड़ नहीं, यहाँ 3 लाख शायद दे दिए उन्होंने, का 3 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो सफेद झूठ तो बिकी रहा है। अच्छे दिन वाली बात थी, अच्छे दिन तो आए नहीं। आ तो गए हैं अच्छे दिन, भगवान राम की मंदिर बन गई है। तो रामदेव बाबा भी तो ये बात कर रहे थे कि सरकार आने से पहले कि 35 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, तो अब रामदेव बाबा तो प्रचार भी नहीं कर रहे। आप समझ रहे हो, इन प्रचार करने वालों ने, इन्होंने तो सारा हिसाब किताब खराब किया है। जो आज ये मजदूर अगर कुछ काम हो रहा होता, यहाँ ने क्या जूझा है। मोदी जी ये कह रहे हैं, मोदी जी करेंगे, ये तो लालची लोग हैं, पैसों के लिए आते जाते रहते हैं। नहीं, लालच की नहीं है ना, यहाँ तो इनको पेंशन ही नहीं मिल रही ना, 1000 रुपये पेंशन है। और ये तो बीपी सिंह जी ने काम किया था, बीपी सिंह जी ने काम किया, उसके बाद किसी भी सरकार ने इसको पेंशन को आगे नहीं बढ़ाया। इसमें BJP की सरकार भी आई, मिली जुली सरकार भी आई है, लेकिन इस काम को किसी ने आगे नहीं करा है। आप कह रहे सरकार निठल्ली है, सरकार 24 घंटे काम ही करती रहती है। मोदी सरकार जो जनता के लिए सोते जागते खाते पीते हैं, कभी सोते भी नहीं है, पूरे घंटे काम ही काम करते रहते हैं। देखो, असली जो देशभक्त हैं, राम भक्त हैं, भगवान भक्त हैं, वो सोशल मीडिया पे हैं। और सोशल मीडिया पे जो बंदा एक्टिव रहता है ना सोशल मीडिया पे, वो ये गोदी मीडिया न्यूज नहीं सुनता है, ना गोदी मीडिया देखता है। ये भारत की मीडिया है, वो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया ने ही सारा माहौल खराब कर रखा है। असली बात, असला जो जड़ है
वो गोदी मीडिया है इस देश के अंदर, उसने सारा नाश किया हुआ है राजनीति में। जो क्या नाश कर दिया मीडिया ने, वही तो दिमाग, वही तो भगवान राम रहीम, वो यही, वो रोजगार की कहीं बात करते हैं, रोजगार की कहीं बात होती है, आप बताओ। राम की बात नहीं होनी चाहिए, भगवान राम की बात होनी चाहिए ना, राम के लिए मंदिर है ना, प्रार्थना का स्थान है ना। तो वही तो बात है, जो मंदिर पे इतना विवाद था बीजेपी ने बनवा दिया, मोदी सरकार ने बनवा दिया। देखिए ये विवाद जो था, अब ये देखिए, आप समझिए, वो मस्जिद बंद थी, राजीव गांधी जी ने वो मस्जिद खुलवा दी, राजीव गांधी खुलवाई थी बाबरी मस्जिद। अब इसको कोर्ट ने किया, लेकिन अगर वो मस्जिद, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर राजीव गांधी जी वो मस्जिद ना खुलवाते और अटल बिहारी वाजपेयी जी रथ यात्रा ना निकलवाते तो वो मस्जिद टूटती नहीं, वो ब्लॉक तो रथ यात्रा भी निकलती ना, निकलती नहीं। तो ये केस कोर्ट में नहीं आता, कोर्ट में कि ये केस कोर्ट में चलता, तो पुराना केस था, 500 साल से चल रहा था। अब ये तो कोर्ट का फैसला ना, ये तो कोर्ट बताएगा ना, तो मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ मैं, मंदिर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुत्व के खिलाफ नहीं हूँ मैं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ मैं, सरकार से कहना चाह रहा हूँ रोजगार दो। आप सरकार के खिलाफ क्यों हैं, सरकार से क्यों सवाल पूछ रहे हैं, इतनी अच्छी सरकार है, देशभक्त सरकार है। देखो ये सरकार से जुड़े लोग, सरकार से जुड़े लोग और सरकार के कार्यकर्ता सिर्फ असली अच्छी सरकार कहते हैं, बाकी कुछ नहीं। जमीनी स्तर पे लोग सुबह निकलते हैं अपने पेट की भूख के लिए, उनको कमाने के की उलझन में फंसे रहते हैं, वहाँ तक आप लोग भी पहुँच नहीं पाते हो। मोदी जी कह रहे हैं रोजगार मांगो मत, रोजगार बनाओ, रोजगार बनाओ। हाँ। तो रोजगार बनाएंगे तो मोदी जी से क्या मांगेंगे। ये जो पेंशन का ये मुद्दा है यहाँ पर, ये हमारा अपना पैसा है सरकार के पास, यहाँ भीख नहीं मांगी जा रही है, ये हमारा पैसा 40-45 साल से सरकार के पास है, उसमें से पेंशन मिलेगी वो सरकार के पास। विकास करने के चक्कर में लगी हुई है, आप लोग पैसे मांग रहे हैं सरकार से। विकास कहाँ पे, यहाँ पे विकास दिखाओ ना, कहाँ पे हो गया विकास। डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रहा है, कहाँ पे हुआ विकास आप बताओ ना। पत्रकार वंदे भारत चल रही है ट्रेन, मतलब ट्रेन से विकास हो गया, हो नहीं रही है। ये तो कमाई का जरिया ना रेलवे, इसको इसका क्यों नहीं निजीकरण कर, जल्दी घर पहुंचेंगे। हर कमाई का जो जरिया होता है उसका निजीकरण नहीं करेगी पूरी तरह सरकार, मेरी बात को आप समझ रहे हैं। रेल मंत्रालय पूरी तरह निजीकरण में नहीं जाएगा, क्योंकि वो कमाई का जरिया है, और जहाँ कमाई कम होती है तो उसको सरकार निजीकरण करती है, आप समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे हो। और निजीकरण किसको किसको उसका फायदा मिलता है, जो सरकार के करीब होते हैं उसका फायदा मिलता है। इसमें आप अडानी लगा लो, गिने चुने जो उद्योगपति लगा लो, हर को मौका थोड़ा ना मिलता है इसमें। अरे अडानी जी कहते हैं हमको कोई मतलब नहीं है, मोदी से कोई हमारी बातचीत नहीं है, आप लोग बदनाम करके रखे हुए हैं। देखो ये अडानी जी से मैं तो मिला नहीं हूँ, अब अडानी जी तो कुछ उनके ऊपर आरोप लगेगा तो अडानी जी तो कुछ भी कहेंगे ना, अडानी जी ने वो अपना मैटर है, जब जनता बेचारे भोले भाले आदमी अपना बिजनेस का काम देखते हैं। नहीं भोले भाले तो 10 साल पहले तो बहुत कम धन था इनके पास, अच्छी बात है ना, अगर उनके पास तो धन आ गया, विदेशों में नाम हो रहा है कि भारत का भी लोग अमीर होते हैं, भारत में भी अमीर लोग रहते हैं, तो बिजनेसमैन तो और भी है ना इस देश में। हाँ। वो क्यों नहीं आगे बढ़े, उनका धन क्यों नहीं बढ़ा भाई, अडानी जी का बढ़ा ठीक है, लेकिन मेहनत करेगा वही तो बढ़ेगा, मतलब ये अंबानी ग्रुप वगैरह ये मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये भी तो मेहनत, पहले तो अंबानी जी का नंबर आता था नंबर वन में अंबानी जी नंबर वन, अब अंबानी जी कैसे पीछे हो गए, यही तो जनता पूछ रही है, मेहनत नहीं कर रहे होंगे, मतलब अब अंबानी जी मेहनत नहीं कर रहे हैं। नहीं। अच्छा तो अब अडानी जी मेहनत कर रहे हैं, मुझे तो इसका मालूम नहीं है, देखो इसका आंसर तो आप दे सकती हो, किंतु मेहनत तो अंबानी जी बहुत कर रहे हैं, मैं तो जियो का इस्तेमाल करता हूँ, दो दो सिम है मेरे पास, मैं तो बहुत अच्छी समझता हूँ जियो को, अंबानी जी को तो मेरे हिसाब से तो अंबानी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मतलब सरकार को अंबानी पे ध्यान देना चाहिए, अंबानी में नहीं भारत की जनता पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, सरकार के। अब आप समझिए, अब मैं एक आपका क्वेश्चन करना आ नहीं रहा, मैं आपको बताता हूँ, जब एक पेंशन का मुद्दा आता है कि हर नेता को एक पेंशन मिलनी चाहिए, और ये हर 5 साल बाद देखिए 6-6, 7-7 पेंशन मिल रही हैं जो लगातार नेता रहते हैं, इस पर ये सब नेता इकट्ठे हो जाते हैं, इस पर नहीं बोल रहे एक पेंशन मिलनी चाहिए हमें, बाकी हमारी पेंशन बंद होनी चाहिए, यहाँ पर तो एक ही पेंशन मांगी जा रही है, इस पेंशन को बढ़ाओ,
लेकिन ये सब 6-6, 7-7, 10-10 पेंशन ले रहे हैं एमएलए की, एमएलए की, राज्यसभा की, तो वहाँ तो पेंशन दी जा रही, वहाँ तो मोदी बना। समझ नहीं रहे मैडम आप मेरी बात को, नेता आप ही के लिए तो काम कर रहे हैं, तो यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा? वो 10-10 पेंशन ले रहे हैं, यहाँ एक पेंशन को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? यही तो सवाल है। अब मोदी जी 15 साल उनके पास पैसे नहीं होंगे, 15 साल वो वहाँ रहे गुजरात के अंदर, उसकी पेंशन भी आ रही है। अब 10 साल दिल्ली में रहे, उनकी पेंशन भी मिल रही होगी। तो यहाँ तो 40-40 साल के बंदे हैं, 800, किसी को 700, किसी को जो पुराने हैं 200 मिल रही है। तो यही तो सवाल है, इनकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ रही है? जब नेता 7-7 पेंशन ले सकते हैं तो यहाँ के लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? यही तो सवाल है। सरकार के पास पैसे नहीं है उतने पेंशन देने के, तो सरकार क्यों बोल रही है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, वो जो दिखा रहे हैं हमारी बढ़त है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, मतलब झूठ बोला जा रहा है। 2024 की तैयारी करी जा रही है, गुमराह करा जा रहा है जनता को। सरकार के नहीं, सरकार कौन तैयारी क्या करना है? नहीं, वो तो भारत की जनता तय करेगी इस मुद्दे पे, लेकिन खुश नहीं है भारत की जनता। हाँ चुप, साइलेंट मूड, जनता साइलेंट मूड में है। ये गिने चुने जो मीडिया मेरे जैसे लोग बोल सकते हैं, साइलेंट मूड में है जनता, चुप है, गुस्से में है जनता। तीन राज्यों में बीजेपी जीत गई है, कहाँ गुस्से में है? आप देखो ना, बहुत कुछ है मेरे व्हाट्सएप पे भी। हाँ। कैसा बराबर बराबर वोट घर पड़े हैं, और कांग्रेस को ज्यादा पड़े हैं राजस्थान में। हाँ। और बीजेपी जीत गई है, तो इसका मुझे नहीं पता कैसे जीत गई है। अब आप भी कह देंगे कि ईवीएम हैक हो गया इसीलिए जीत, क्यों क्या कह देंगे क्या? वो तो कांग्रेस, मैं कांग्रेसियों से यही तो कहता हूँ, अबे ये मुद्दा तुम उठाओ, जनता पे क्यों थोप रहे हो? कांग्रेसियों और समाजवाद पार्टियों और लालू प्रसाद जी ये जनता पे थोप रहे हैं, लिख के सोशल मीडिया पे छोड़ देते हैं। अबे तुम क्या कर रहे हो? तुम सो गए, मर गए, नेता तुम बनोगे, जनता तुम्हें वोट देगी, राजनीति तुम्हें करनी है, तो तुम इस मुद्दे को उठाओ। ये सोशल मीडिया पे हमारे ऊपर क्यों थोपते हो? मैं यही राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम वेदल चांद साउथ के हैं, कोई भी पार्टी है, मैं यही तो क्वेश्चन करता हूँ। मैं ऐसा ही लिखता हूँ जैसे यहाँ नहीं लगता होगा कि ईवीएम हैक हुआ है। नहीं, वही तो लिखते हैं, ईवीएम हैक है, गड़बड़ी है, वही तो लिखते हैं, उन्हीं के पेज पे, उन्हीं के टैग पे तो आता है। कैसे लिखेंगे? तेलंगाना तो वही जीत गए, कर्नाटक तो वही जीते हैं। देखो तेलंगाना जीत गए, अब हम सब जगह जीत जाएंगे तो बेमानी हो गई ना। एक जगह जितवा दो और तीन जगह हरवा दो, अब 2024 भी अगर जीत लेंगे तो बेईमानी थोड़ा होगी? कुछ जगह कुछ सीटें जितवा दो, बाकी जीत लो, बेईमानी थोड़ा होगी? आप समझ रहे हो, एक राज्य जितवा दिया, तीन जीत लिए, तो बेईमानी हमें। मोदी जी नहीं मानते ना कि ईवीएम हैक हुआ है, वो कहते हैं कि ये जनता हमें प्यार कर रही है, हमें अपने दिल में बिठा के रखी है और बाल ला रही है हमें सत्ता में। देखियो हैक हुआ या नहीं हुआ, जब इसकी काउंटिंग हुई है, कितने वोट पड़े, कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं, बीजेपी को कम वोट मिले हैं, और बीजेपी जीत गई, सवाल तो यही है। कौन कहता है बीजेपी को कम वोट मिले हैं? पूरा सोशल मीडिया देखा करो ना। आप तो सोशल मीडिया के पत्रकार हो, तो आपको तो सब पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया झूठ है। मतलब आप भी झूठे हो उसका मतलब? सोशल मीडिया झूठी खबर, किसने कहा? नेशनल मीडिया सच्ची खबर दिखाता है। नहीं, गोदी मीडिया गलत, गोदी मीडिया गुमराह कर रहा है। गोदी मीडिया हर एक जगह, पहले एनडीटीवी पर नहीं था, वहाँ पे भी गोदी मीडिया आ चुका। बात ये है, पहले से रवीश कुमार जी को छोड़ के बाकी सब एक ही तरह की बात कर रहे हैं। तो भरोसा है लोगों को सोशल मीडिया पे, और नेशनल मीडिया से जो है भरोसा उठ चुका है। ये इन्होंने साफ बता दिया कि किस तरीके से नेशनल मीडिया झूठ फैला रही है और सोशल मीडिया इन्हें सच्ची खबर दिखा रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी की नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।